तुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, लाइट कट जाती है तो मोमबत्ती नहीं जल पाता ना, फ़ोन के फ्लैश लाइट से पढ़ाई नहीं हो पाता ना। हाँ, लेकिन अंधेरे में फ़ोटो क्लिक हो जाता है और तुम्हें गर्मी भी लगती है, ठंडी भी लगती है, और वहीं तुम्हारा बाप 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। पसीने से उनकी शर्ट सूख नहीं पाती और सर्दियों में जो ठंड हड्डियों में घुस जाता है, जिस समय तुम्हें रजाई से निकलने का मन नहीं करता, उस समय तेरे पिताजी सुबह 5 से 6 बजे उठकर घर से निकल जाते हैं और बस में ट्रैफिक में धक्के खाते हैं, ना जाने किन किन के ताने सुनते हैं, ताकि तू कुछ बन सके। कभी अपने पिताजी से पूछना, पिताजी लंच खा लेते हो क्या समय पे? शायद उनको लंच भी नहीं मिलता, लेकिन लगे हुए हैं। क्यों? ताकि तू कुछ बन सके, तू कुछ हासिल कर सके। बीमार हैं तो भी काम पर जाते हैं, लेकिन तुम पंखे में, कूलर में, एसी में बैठकर भी बहाने बनाते रहते हो। कभी अपने पिताजी से पूछना, पिताजी जो आप काम करते हो क्या उसमें मन लगता है? भाई अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कुछ कर ले, थोड़ा पढ़ ले, अपने और अपने माँ बाप के सपने को पूरे कर ले। याद करो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और APJ अब्दुल कलाम सर को। वो कुछ नहीं थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के दम पर आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है। देखो, इतने भी मजे मत लो जिंदगी के कि खुद का ही मजाक बन जाए। जो चीज़ आपके फ्यूचर को खराब कर रही है उसे अवॉइड करो। अरे कब तक दूसरों को आइडियल मानते रहोगे? कभी अपने छोटे भाई के लिए भी आइडियल बनने वाले काम करो।